नमस्कार पशुपालक भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे Facebook पेज पे देख रहे हो, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। YouTube चैनल पे देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम आए हैं राजकोट में और गांव पिपलाना है और राजकोट के पास जैसे कि 10 किलोमीटर इधर की तरफ है, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे 120 पशु है, गाय और भैंस दो नस्ल है। अभी आप देख रहे हो जाफराबादी भैंस है, इसकी लाइव मिल्किंग चल रही है। तो आपको दिखाते हैं, अंकल जी मिल्किंग कर रहे हैं। तो ये कितना दूध देती है, तो अंकल जी से एक बार पूछते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। ये कितना लीटर दूध देती है पूरे दिन का? दिन का 20 किलो। अच्छा, पूरे दिन का 20 लीटर देती है और एक टाइम का 10 लीटर। तो अभी आप जैसे कि ये दो डोल में दूध निकाल रहे हो, तो ये एक में ये कितना होगा? ये अभी 10 किलो। अच्छा, ये मतलब पूरा नहीं निकला, ये निकल गया? अच्छा, निकल गया ना। तो 10 लीटर ये दूध देती है। और फीड में क्या क्या खिला रखा है इसको, तो ये दिखाते हैं आपको। बिनोला खल है इसके अंदर, और जो चने की चूरी आती है, चने की चूरी और मिनोला फीड है, दोनों को मिक्स करके खिलाते हैं। इसको कितना किलो खिलाते हैं एक टाइम का? एक टाइम का 6-7 किलो। अच्छा, 6-7 किलो एक टाइम का खिलाते हैं। पूरे दिन का देखे तो 10-12 किलो के बीच में इसको पूरे दिन का फीड खिलाते हैं। चारे में यहाँ पे जो भूपली का पाल आता है वो खिलाते हैं, और एक जवार आती है, तो पूरी जवार बिना कटिंग की हुई पूरी जवार खिलाते हैं। हरे में भी ये खिलाते हैं, बाकी पूरा दिन यहीं पे रहती है। अभी आप देख रहे हो सेट वगैरह इतना ज्यादा कोई हैवी वगैरह नहीं बना रखा है, नॉर्मल है। यहाँ पे सेट हो जाती है, दिन में इनको नहलाने के लिए बाहर निकालते हैं तो बाहर जाती है, पानी में नहा के आ जाती है वापस यहाँ पे। और इस प्रकार से एक हफ्ते और फिर मिल्किंग चल रही है सभी भैंसों की। तो अंकल जी, आपने इसको बांध के नहीं रखा है, फूटा वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसे ही निकला देती है? आगे के पैर क्यों बांधते हैं? चल नहीं जाए इसके लिए। अच्छा, चल ही नहीं जाए इसके लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी निकाल सकता है दूध? अच्छा, बहुत शांत स्वभाव की होती है, आराम से यहाँ पे खड़ी है, आगे फीड वगैरह रख रखा है, दूध कोई भी निकाल सकता है इस डेयरी में। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हो, ये भी दूध निकालते हैं। और इधर तो चल रही है मिल्किंग, इसकी रब करोगे ना मिल्किंग? इसका दूध अभी निकालेंगे, और इधर इसका भी अभी निकालेंगे। निकल गया, निकलना है। अच्छा, निकालना है ना। ये कितना लीटर दूध देगी? एक मियानी होने बच्चा वाले हो तो 10 लीटर देनी है। अच्छा, 10 लीटर। अभी बाकड़ी होगी? अगर बाकड़ी है तो दोस्तों, बारिश भी आ गई है और यहाँ पे मिल्किंग भी चालू है। अभी आधी भैंसे यहाँ पे आ गई है, जो जो दूध वाली है सभी को दूध निकाल के इधर वो सेट बना रखा है, उसके अंदर चली गई है। और बाकी जो दूध नहीं देती है वो वाली उधर की साइड में है। वो यहाँ पे गिर क्रॉस गाय की मिल्किंग चल रही है, और HF नस्ल है, दो प्रकार की नस्ल है गाय में। तो इनको भी फीड वगैरह सेम टू भैंस के लिए, इनके लिए से यही है। आप देख रहे हो, ये पापड़ी है बिनोला की, और चने का चूरी है इसके अंदर। अभी आप देख रहे हो मिल्किंग चल रही है इस गाय की, और इसका भूख कितना निकलता है वो छोटे भैया सब जानते हैं। कितना दूध देती है गाय? 5 लीटर। 5 लीटर क्यों? अच्छा, 8 महीने की क्यापण है, और 5 लीटर दूध दे रही है, पूरे दिन का 10 लीटर दूध दे रही है। देख लो, क्यापण भी है तो भी, और अभी लंबे टाइम तक देती रहेगी ना दूध को, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ। एक महीना छोड़ते है, बाकी वो भी अगले इलेक्ट्रेशन में अच्छा दूध मिले उसके लिए छोड़ते है, बाकी लंबे टाइम तक दूध देती रहती है ये। और इसके बारे में जानते हैं, ये कितना देती है? ये कितना देती है दूध भैया? ये 10 लीटर देती है। अच्छा, 10 लीटर एक टाइम का, और पूरे दिन का 20 लीटर। कितने महीने हो गए इसको बच्चा दिए हुए? इसको हुआ है 5 महीना हुआ है। अच्छा, 5 महीने। 4 महीने की गाभिन। 4 महीने की गाभिन, 1 महीने वापस प्रेग्नेंट हो गई। और फीड कितना खिलाते हैं इसको? इसको 6-7 किलो। अच्छा, 6-7 किलो खिलाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे गिर क्रॉस HF नस्ल की गाय दूध देती है, दूध में अच्छी है सभी गाय यहाँ पे। तो
तो दोस्तों ये है सूखा चारा, जवार है पूरी, तो ये जाफराबादी भैंस भी यही खाती है और गाय भी यही खाती है, सूखा पूरा आका डाल देते हैं इनको और खा लेती है, अभी ये खा रही है दोनों भैंस आप देख रहे हो। और ये देखो आप खुले में आराम से घूम रही है कटड़ी, सारी अभी और अभी बाहर आराम से खुले में खड़ी है और छोटी कटड़ी है आप देख रहे हो, वो भी बाहर मजे ले रही है। और जाफराबादी नस्ल की भैंस एक ऐसी शांत स्वभाव की भैंस होती है, तो आप देखो आराम से खुली है, आराम से खड़ी है, ये देख लो तीन चार भैंस है बड़ी बड़ी हाथी जैसी जाफराबादी भैंस है, बांधने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, ऐसे ही खुली रहती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो किसी को मारती है ना ये आपस में झगड़ती है, गाय और भैंस दोनों साथ में रहती है। तो आपको दिखाते हैं, देखो भैंस खड़ी हुई है, एक नई चीज दिखाते हैं, यूनिक चीज यहाँ पे देखने को लिए जो मिली है ना, ये देखो ये जाफराबादी भैंस है, ये खुला इसको ना बांध रखा है, आराम से खुली खड़ी है, और इसके पीछे भी आप देखोगे तो भी वो खुली है, और यहाँ पे गाय की मिल्किंग चल रही है, केवल पीछे वाले पैर बांध रखे हैं, और ये खुले में देख लो फीड खा रही है, पर भैंस देखो वहाँ फीड खाने के लिए नहीं जा रही है ना। हाँ सही है, क्योंकि हमारे उधर देखते हो जैसे गाय की मिल्किंग कर रहे हैं, पास में भैंस रहते हैं, या तो उसको मारेगी या उसको फीड नहीं खाने देगी, उसका जो फीड रहता है वो उसको ले लेती है और खाने लग जाती है, पर यहाँ पे एकदम दोनों शांत स्वभाव की नस्ल है, दोनों खड़ी है आराम से, वो इसकी मिल्किंग करता है तो वो पास में खड़ी रहती है, अब उसकी ओर रही तो ये पास में खड़ी है आराम से, और इधर ये भैया ने निकाल दिया है दूध, पूरी बाल्टी भरने वाली है 10 लीटर की बाल्टी, आवाज भी कर रहे तो भी डर नहीं रही है ना। हाँ, तो कितना टाइम हो गया आपको डेयरी फार्म का काम करते हुए? कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल हो गए, 25 साल से आप इसी लाइन में हो, आपके पिताजी भी करते थे या? नहीं, बेटा बड़ा आपका, तो वो कम रखते थे, आप ज्यादा रखते हैं। तो अंकल जी एक बात और पूछूं, आपने ये पेन रखी ये क्या चीज है ना? पहली बार देखा हमने भी, क्योंकि पूरा लगभग लगभग गुजरात घूम लिया पर पहली बार आपको देखा है, इसलिए पूछा है हमने। तो दोस्तों आज की वीडियो यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।